वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया ईशान किशन, सुमन गिल और संजू सैमसन का तूफान। ईशान किशन, संजू और सुमन गिल ने पूरे वेस्ट इंडीज गेंदबाजों को रुला कर रख दिया। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा रहा इस मुकाबले का हाल, साथ ही ईशान किशन, सुमन गिल और संजू सैमसन ने किस तरह वेस्ट इंडीज गेंदबाजों को रुलाया, बताएंगे आपको सब कुछ आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के इस फैसले को कुछ ही घंटे में गलत साबित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर से ईशान किशन और सुमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। इन दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज गेंदबाजों पर प्रहार किया। इन दोनों ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों ने शतकीय साझेदारी भी निभाई। आप इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 118 गेंदों पर 143 रनों की साझेदारी कर डाली। हालांकि आपको बता दें कि ईशान किशन 77 रन बनाकर आउट हो गए और वो अपने शतक से चूक गए। ईशान किशन ने 64 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। हालांकि इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी महज 8 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसके बाद सुमन गिल ने संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी हुई। आपको बता दें कि संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 41 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। हालांकि इसके बाद संजू सैमसन 51 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं सुमन गिल ने 85 रनों की पारी खेली। सुमन गिल के बल्ले से 11 चौके देखने को मिले। हालांकि इसके बाद सुमन गिल भी 85 रन बनाकर कैच आउट हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव के बीच भी अच्छी साझेदारी देखने को मिली। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और टीम इंडिया के स्कोर को 300 के पार तक पहुंचा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।